26/11 हमला किसे याद नहीं, जब 2008 में पाकिस्तान ने ताज होटल के अंदर आतंकी हमला किया था। उस वक्त पाकिस्तान ये देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान की हालत वो है जो दुनिया देख रही है। ताज तो एक बार फिर से शान से खड़ा हो गया है, जिसे टाटा ग्रुप ने एक साल के अंदर ही समुन्दर किनारे खड़ा कर दिया था। और अब एक बार फिर टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। जिस टाटा ग्रुप के होटल ताज पर आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान उस वक्त हंस रहा होगा, उसी टाटा ग्रुप ने आज पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है, क्योंकि इस वक्त टाटा ग्रुप के कंपनियों की वैल्यू बढ़कर $365 अरब तक पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान की कुल GDP $341 अरब के करीब ही है, यानी टाटा की कंपनियों की कुल संपत्ति से $24 अरब कम। वहीं जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की आर्थिक राजधानी को बंधक बना लिया था, तो रतन टाटा ने बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि इस परिस्थिति में हमें एक साथ खड़े होकर ऐसे आतंकी हमलों का कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करते हुए नुकसान हुई संपत्ति को फिर से बसाने के लिए अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। टाटा ने जैसा कहा वैसा किया और ताज होटल को करीब एक साल बाद फिर से पहला जैसा बनाकर खड़ा कर दिया। टाटा की तरफ से पाकिस्तान को पहले ही उसकी औकात दिखा दी गई थी, क्योंकि मुंबई में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान उस वक्त तो खुश हो रहा था, लेकिन आज वो कंगाल हो चुका है। स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान को कोई कर्ज तक नहीं दे रहा। और अगर बात भारत की करें तो उस हमले के जख्मों से सीख लेकर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अकेले टाटा जैसी कंपनी उसके GDP से ऊपर जा चुकी है और पाकिस्तान की हैसियत अब भारत के सामने पिद्दी जैसी हो गई है। मुंबई हमले के बाद टाटा के बयान और उनके जज्बे को टाटा संस ने साबित किया है। कभी भारत को आतंकी हमलों से तबाह करने की मंशा रखने वाला पाकिस्तान आज खुद ही मुसीबतों में फंस गया है। उधर जिस टाटा को पाकिस्तान ने मुश्किल में डालने की कोशिश की थी, वो आज खुद दर दर की ठोकर खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है और उसी के चक्कर में पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वहीं टाटा कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। जहां पाकिस्तान के पास आज खाने के लाले हैं, तो टाटा लाखों लोगों को रोजगार देती है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की GDP और टाटा कंपनी की कुल वैल्यू को दिखाकर पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान में बीते कुछ समय से जारी राजनीतिक अस्थिरता भी इस संकट को और ज्यादा बढ़ा रही है। आम खाने पीने की चीजों, आटा, दाल, चीनी से लेकर चावल तक की कीमतों में हाल ही के महीने में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे कम आय वाले परिवारों के लिए परिवार का खर्च चलाना पाकिस्तान में मुश्किल हो गया है। एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर कई कंपनियों और फैक्ट्रियों ने छटनी कर दी है, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है और इससे हालात और ज्यादा पेचीदा हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अब कंगाल पाकिस्तान का आखिर क्या होगा। वहीं अगर बात भारत की करें तो भारत की तेजी से इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, यानी तेजी से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है। हर मोर्चे पर भारत दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। साल 2010 में भारत 9वें स्थान पर था, उसके बाद तेजी से आगे बढ़ता रहा। भारत की GDP पाकिस्तान से करीब 10 गुना बड़ी है। साल 2008 से भारतीय GDP में करीब 140% बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान पाकिस्तान की GDP करीब 63% ही बढ़ी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी महाराष्ट्र से भी कम है। और अब पाकिस्तान की अगर कुल GDP की बात करें तो कुल GDP सिर्फ $341 अरब के करीब है, जो इस वक्त टाटा ग्रुप के कंपनियों की वैल्यू से भी बेहद कम है। दरअसल भारत ने आजादी के बाद कृषि प्रधान देश के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में भी मजबूती से भारत उभरा।
सर्विस सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ रहा सेक्टर है, जिसका इकोनॉमी में 60% से अधिक योगदान है। रोजगार में इसकी 28% हिस्सेदारी है। मैन्युफैक्चरिंग अहम सेक्टरों में से एक है और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी ओर अस्थिर सरकार और सैन्य तानाशाही, सत्ता के विरोधाभासी केंद्रों और आतंकी संगठनों को समर्थन देने की नीति से पाकिस्तान की इकोनॉमी को गहरा झटका लगा है। दुनिया की कोई भी कंपनी वहां कारोबार करने को तैयार नहीं है। देश से उद्योग धंधे बाहर जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान इस वक्त काफी परेशान है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, 26/11 जैसे हमले कराता है, लेकिन भारत अपने देश की मजबूती पर ध्यान देता है। और यही वजह है कि आज टाटा ग्रुप के कंपनियों की वैल्यू से कम पाकिस्तान की जीडीपी है, लेकिन भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।